हाय गाइस, सो आज हम लोग बेसिकली स्पॉटिंग एरर्स में जो वोकैबलरी की गलती आती है उसकी बात करेंगे। तो वोकैबलरी की बहुत सारी तरीके की गलतियाँ आती है। वोकैबलरी की होमोफोन्स की गलती आती है, स्पेलिंग्स की गलती आती हैं। आज जो हम एक बेसिक आइडिया को टचअप करेंगे वो क्या है, जब वोकैब की एरर आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बेसिकली हमारे इंग्लिश के चैप्टर्स, नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउन्स, प्रेपोजिशंस, ये सब इन ऐसे वो चैप्टर्स को क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। सो अब हमारे को होता क्या है, मैं दो वर्ड्स के एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझाऊंगा, रिवेंज एंड अवेंज। अभी मैं अवेंजर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अवेंजर इसके बाद बात करेंगे। बट जब मैं रिवेंज और अवेंज की बात करता हूँ और मैंने बोला कि ये एरर है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि रिवेंज और अवेंज में कौन सा पार्ट है। तो रिवेंज होता है नाउन, रिवेंज का हिंदी हो गया बदला, तो बदले को आपने लेना पड़ेगा। और अवेंज होता है वर्ब, मतलब बदला लेना। सो बेसिकली हिंदी में क्या होता है, एक ही शब्द है, दैट इज नाउन, बदला। बदला के आगे मैं वर्ब लगा देता हूँ, बदला, मैं बदला लूंगा, ठीक है, बदला लेना। बट इंग्लिश में मेरे पास दो अलग अलग शब्द हैं, रिवेंज एंड अवेंज। सो टेक रिवेंज से बेटर ऑप्शन हमेशा क्या होता है, अवेंज। सो अगर हम इक्वल टू की बात करें, तो टेक रिवेंज इज इक्वल टू अवेंज। सो आई विल आप स्पोकन इंग्लिश में भी ध्यान रखिए, आई विल टेक रिवेंज सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बेटर ऑप्शन क्या है, आई विल अवेंज। आगे आप कुछ भी बोल सकते हैं, किस चीज का बदला लेंगे, बट आई विल अवेंज दैट, मैं उसका बदला लूंगा। तो टेक रिवेंज हो गया नाउन, ठीक है, तो टेक लगाना ही पड़ेगा रिवेंज के साथ अगर आप इसको एज अ वर्ब यूज करना चाहते हैं या एक्शन की तरह यूज करना चाहते हैं, बिकॉज इसका मीनिंग केवल बदला है और इसका मीनिंग बदला लेना है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, कंप्लेन, कंप्लेंट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की गलती होती है, वो नाउन की जगह वर्ब और वर्ब की जगह नाउन यूज कर देते हैं। लेकिन सेकेंड चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि जो तीन फॉर्म्स होती हैं वो वर्ब की होती हैं, तो अवेंज, अवेंज्ड, अवेंज्ड, ठीक है, और अवेंजिंग, ING, ये सब पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। और रिवेंज के साथ ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नाउन है, तो ये रिवेंज ही रहेगा। अब थर्ड वर्ड तो आप सबको पता होगा, पिक्चर देखते ही होंगे आप लोग, अवेंजर्स, ठीक है, तो अवेंजर लगा दिया, ER, बाइक भी आती है अवेंजर, ER, ये बन गया एडजेक्टिव, बदला लेने वाला। तो अवेंजर इज अ पर्सन जो किसी चीज का बदला लेगा, हिसाब पूरा करेगा। अवेंज हो गया बदला लेना एंड रिवेंज हो गया बदला। आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया समझ में आया होगा। तो एग्जामिनर क्या करेगा, इसकी जगह ये लगा देगा, इसकी जगह ये लगा देगा और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए, थैंक यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड रिंग द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड एवरी टाइम वी अपलोड अ न्यू लेसन।